स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ रैंक कोरिलेशन का पार्ट टू, जिसके अंदर वैल्यू रिपीट करती है तब हम उसकी रैंक किस तरह से निकालते हैं। स्टूडेंट इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में मैंने अपलोड किए हैं, सबसे पहले मैंने बताया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वेरिएंस, एमजीएफ, उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस लिए थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरिएंस, इनके एमजीएफ, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। सो स्टूडेंट यहां पे जो IIT-JAM है यहां जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, इससे पहले और भी मैंने वीडियोस अपलोड किए थे लाइक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, देन उसके बाद रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, वो मैं भी अब यहाँ पे कर चुका हूँ, तो वो भी यहाँ ITIP पे जाके देख सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ कि रैंक कोरिलेशन फॉर द रिपीटेड वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, और स्टूडेंट मेरे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc वाले स्टूडेंट के लिए भी मैंने काफ़ी सारा यहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रखा है फॉर IIT-JAM, CSIR नेट, देन उसके बाद IAS ऑप्शनल के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे अपलोडेड है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द रिपीटेड वैल्यू के लिए यहाँ जो फार्मूला होता है उसमें ये फर्क क्या आ जाता है, 1-6 समेशन डी स्क्वायर यही होता है, पर यहां पे प्लस एफ आ जाता है अगर वैल्यू क्या करती है, रिपीट करती है, और जो एफ का फार्मूला होता है वो ये होता है। अब ये एम होता है, ये क्या होता है कि जो वैल्यू जितनी बार रिपीट कर रही है उतना हम यहां पे एम रखेंगे, अभी बताऊंगा मैं एम कैसे निकालेंगे, है ना। अभी एक बार अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये दे रखा है ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, रैंक ऑफ एक्स देंगे, है ना, क्या करेंगे यहां पे रैंक ऑफ एक्स देंगे। सो रैंक ऑफ एक्स किस तरह से देंगे, जो हाईएस्ट है उसको कितनी रैंक देंगे, 1 देंगे, तो ये 80 इसको 1 रैंक मिलेगी, देन यहाँ 75, देखो ये 75 और ये 75 है ना, रिपीट कर रहा है, तो देखो इसकी रैंक होगी 2, इसकी रैंक होगी 3, 2 इधर ले लो इधर ले लो, बात बराबर है, 2 और 3 होगी, पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, है ना, एवरेज रैंक लेंगे, तो 2 और 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 2.5, तो 75 की रैंक कितनी होगी 2.5, और इसकी रैंक भी क्या होगी 2.5 होगी, ठीक है। देन 75 से जस्ट छोटा आप क्या है यहाँ पे 68 है, इसकी रैंक कितनी होगी 4 होगी, है ना, क्योंकि 2 और 3 आ गया अब 4 आएगा, है ना। अब देखो 64 यहाँ पे 64 आ रहा है, यहाँ पे 64 आ रहा है, यहाँ पे 64 आ रहा है ना, ये वैल्यू तीन बार यहाँ पे क्या कर रही है, रिपीट कर रही है ना, तो अब देखो 4 आ गया, अब इसकी रैंक कितनी होगी 5 होगी, इसकी रैंक कितनी होगी 6 होगी, और इसकी रैंक कितनी होगी 7, लाइक ये दे रहे हैं हम लोग, है ना, पर क्योंकि तीनों रिपीटेड है इसलिए यहां पे इन तीनों का एवरेज लेंगे, दैट इज 5+6+7 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे जो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा लाइक 18 आएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 6 आएगा, तो इसकी रिंग भी 6 आएगी, इसकी रिंग भी 6 आएगी, इसकी रिंग भी यहां पे क्या आएगी 6 आएगी। देन 64 के बाद अब छोटा क्या है, 64 के बाद देखो ये हो गया, ये हो गया ना, उसके बाद 55 है, इसकी रिंग कितनी देंगे हम यहां पे, देखो 7 हो गया ना, अब यहां पे इसकी रिंग आएगी 8, देन 55 के बाद कौन है 50, इसकी रैंक कितनी आएगी यहाँ पे 9, एंड देन उसके बाद 40, इसकी रैंक कितनी आएगी 10, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी रैंक देंगे। नाउ अब हम बात करेंगे रैंक ऑफ वाई, है ना, सो रैंक ऑफ वाई किस तरह से देते हैं स्टूडेंट, देखिए आप लोग यहाँ पे, सो यहाँ पे देखिए आप जो हाईएस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 74 आ रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 81 आ रहा, सॉरी, सो 81 को रैंक देंगे 1, 74 को रैंक देंगे हम 2, देन उसके बाद हमारे पास आ रहा 68, और 68 दो बार रिपीट कर रहा है, तो इसकी रैंक होगी 3, इसकी रैंक होगी 4, और दोनों को हम एवरेज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, दैट इज 3 और 4 है तो 3.5 आएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 3.5 आएगी, देन यहाँ से इसकी वैल्यू 3.5 आएगी, देन 68 के बाद अब कौन सा वैल्यू छोटी है, दैट इज 62 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3 और 4 अब ये आएगा 5, है ना, देन ये 60 पे आएगा हमारे पास 6, देन अब हमारे पास आएगा ये 7, है ना, देन यहाँ पे 7 आ गया, देन ये क्या आएगा वापस हमारे पास 8, देन ये 9, और ये हमारे पास क्या आएगा 10, तो इस तरह से हम क्या करेंगे इनकी रैंक्स निकालेंगे। देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, D इज इक्वल टू क्या होता है रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा D स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो देखो इसका डिफरेंस लेंगे तो माइनस 1 आएगा, स्क्वायर होगा 1, है ना, सो इसका डिफरेंस लेंगे हम यहाँ पे क्या आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ये भी 1 आएगा, इसका डिफरेंस भी कितना आएगा 1, इसका डिफरेंस भी आएगा 1, 6 में से 1 गया तो 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, ये भी आएगा हमारे पास 25, इसका डिफरेंस लेंगे तो 1, इसका डिफरेंस लेंगे तो 1, इसका डिफरेंस लेंगे तो 0, और इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 16, ठीक है ना, 25 और 50 और
66 देन इसको हम ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 72 आ रही है ना। तो हमारे पास समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 72 आ रही। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि कितनी वैल्यू रिपीट कर रही है। तो सबसे पहले देखियो 74 रिपीट कर रहा है 75 रिपीट कर रहा है ना। तो यहां पे एफ की जो वैल्यू होगी जितनी भी वैल्यू रिपीट कर लाइक एक तो 75 रिपीट कर रहा है इसके लिए F1 ले लो या F74 ले लो चलो ऐसा लिख दो। फिर नेक्स्ट क्या ले लो कौन रिपीट कर रहा है 64 रिपीट है इसको F64 ले लो है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट कौन रिपीट कर रहा है 68 रिपीट कर रहा है इसको F68 ले लो है ना। इस तरह से लिख लो सो देट कि आपको वैल्यू कर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट अब इसका फार्मूला ये होता है। अब देखो 75 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम हो रहा है जहां एम ए वहां की तरह देंगे 2 तो ये आएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1/12 नाउ 64 कितनी बार आ रहा है 1, 2, 3 बार आ रहा है तो m की जगह क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे तो ये आएगा 3 और 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1/12। अब 68 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है तो ये रख दो 2 तो ये कितना आ जाएगा 2 × 4 माइनस 1/12। नाउ स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो f की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी लाइक ये 3 हो जाएगा 3 × 2 = 6 तो ये 1/2 आएगा और ये आएगा 8, 3, 4 तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू आएगी। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ये भी 1/2 आएगा स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 ये 3 और यहाँ से ये मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ आपके पास तो रो इज इक्वल टू 1 − 6 समेशन डी स्क्वायर। सो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 72 आ रही है और F हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 3 और स्टूडेंट N यहाँ पे कितना 2, 4, 6, 8, 10 है ना तो यह 10 आएगा और ये 100 − 1 आ जाएगा ना। So rho is equal to 1 − 6 × 75 हो जाएगा ये है ना डिवाइडेड बाय 10 इंटू यहाँ पे कितना आएगा ये 99। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो मैं सीधा लिख रहा हूँ 0.545 तो यहाँ से इसका आंसर आएगा 0.545। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। मैं फिर से बता दूँ आपको यह रैंक का ध्यान रखना है जो वैल्यू रिपीट कर रही है उसका हमें रैंक प्रॉपर देना पड़ेगा है ना एवरेज करके। देन जो एफ होता है एफ का जो भी वैल्यू रिपीट कर रही है उनके लिए आप सबके लिए ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जैसे 75 टू टाइम रिपीट कर रहा था यहाँ एम की जगह 2 रख के सिंप्लीफाई कर दो 64 यहाँ पे 3 टाइम रिपीट कर रहा था इसकी वैल्यू 3 रख के निकाल दो 68 टू टाइम रिपीट कर रहा था इसकी वैल्यू निकाल दो। देन इस तरह से हम इसको एफ की वैल्यू निकाल के सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाए तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं आपके सामने कंटेंट लेके चल रहा हूँ वो जरूर आपकी मदद कर रहा होगा और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो अभी सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स वाली ये मैं कोशिश करूंगा कि सीरीज को मैं इस महीने के अंदर कंप्लीट कर दूं सो देट कि आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें आपको हेल्प मिले और उसके बाद जो जून जुलाई जो अभी नेक्स्ट आपके समर वेकेशंस आ रहे हैं मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन समर वेकेशंस के अंदर अपना टाइम को यूटिलाइज करें। जो भी आपकी लाइक अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप गेट की तैयारी करें IES की तैयारी करें उसके अंदर भी मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मेरे यहाँ पे जो वीडियोज अपलोडेड है आपने थ्योरी तो समझ ली है अब इन पे बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं MCQs होते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं ट्रिक्स के हेल्प से वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देन जो स्टूडेंट IIT-JAM की तैयारी कर रहे हैं B.Sc वाले या फिर CSNET की तैयारी कर रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेने वाला हूँ। और स्टूडेंट मैं अब लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से सो देट कि अपन लाइक इंटरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत ही अच्छे कमेंट आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइक मतलब जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं जो नॉलेज बांटना पसंद नहीं करते हैं पर वो अपने आप को समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वो क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कि सर यार ये नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो भाई साहब जितना भी मेरे में नॉलेज है वो नॉलेज मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं और भी अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर लाइक लगता है कि आपको मेरे कंटेंट आपको हेल्प करें तो आप मेरी वीडियोज़ देखिए बाकी और भी लोग हैं यहाँ पे जिनके वीडियोज़ आपको हेल्प कर सकते हैं। सो स्टूडेंट बने रहिए कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बने रहिए मेरे साथ थैंक यू।